खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। अज्ञात हमलावरों द्वारा दिया गया घटना को अंजाम, ग्राम सभा कैथल पोस्ट बहराइचा थाना खीरी लेड़ियारी कोराव जनपद प्रयागराज अंतर्गत अज्ञात हमलावर द्वारा की गई हत्या। देखा गया मृतक आदर्श कुमार केसरवानी 16 वर्ष, पुत्र राजेश केसरवानी, ग्राम कैथल पोस्ट बहरेचा थाना खीरी लेड़ियारी कोराव प्रयागराज में अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दिया गया, जिसमें आदर्श कुमार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना में पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला दिया है। परिजनों के साथ साथ गाँव क्षेत्र के महिला पुरुष द्वारा नारेबाजी कोराव मेन मार्ग लेड़ियारी चलारी तिराहे पर चक्का जाम कर दिया गया। मृतक की लाश रखी गई, जिसमें उक्त घटना की जानकारी हुई तो वर्तमान उपजिलाधिकारी को आदेशानुसार नायब बड़ोखर की उपस्थिति व पुलिस विभाग के अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आया और परिजनों को आश्वासन दिया गया कि उक्त घटना को जल्द ही खुलासा किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, पहले पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मृतक की लाश पीएम के लिए भेज दी गई है। देखते रहिए स्टार 7 लाइव से ब्रिजलाल चौधरी की ये रिपोर्ट। वीडियो बने लगा आपके साथ न्याय हो, इनके साथ न्याय, जहाँ से हम लोग जितना सक्षम है वहाँ से आपको पूरी तरह मदद करेंगे। हमारी पुलिस टीम भी है, हम लोग की राज्य सरकार जहाँ जहाँ से बिना पोस्टमार्टम सर जो है क्या कर देंगे है? चाहे आप हमारे तरफ से मुआवजा मिलना चाहे किसकी तरफ से, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होती तब तक हम लोग आगे रिपोर्ट बढ़ाते नहीं है। सर ऐसे ही होता है, सब जगह यही कहते हैं पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम के बाद भूल भी सर जाते हैं कुछ काम। कोई काम नियमता होगा, देख लीजिए नियम होता है वही होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद जानते रहते हैं किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने का कारण नहीं दिखाते हैं। आपको बता रहे हैं गुजरी गांव में एक आदमी का डेथ हुआ था लू लगने से, क्लियर एकदम था कि उसको लगी थी, जो लोग बताए उससे पता चल रहा था कि वो छप्पर खा रहा था, उसमें जब मई बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी था उस टाइम का था। ग्राम प्रधान को हमने खुद बोला था कि उनसे कह दीजिएगा पोस्टमार्टम करवा दे, नहीं हम लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कराए क्योंकि उनके जो पुत्र थे चार भाई थे वो लोग कहेंगे नहीं हम अपने पिताजी का तीर फाड़ कर हम लोग चाह कर भी नहीं दे सकते, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें इसमें जो नियम है ऐसा कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही और बहुत सी मजबूत कार्रवाई हो, चाहे मैं हूँ आप हैं चाहे ये मिट्टी है, सबकी अपनी एक गरिमा है, इज्जत है, इज्जत के साथ वो जो नियम है नियम के हिसाब से चलने दीजिए। और जो हम लोग की तरफ से बन पड़ेगा जो भी आएगा पोस्टमार्टम में, अगर हम लोग सक्षम होंगे तो 100% नहीं 101% के साथ आपको लोग साथ खड़े रहेंगे। इनको कुछ मिलेगा बशर्ते पोस्टमार्टम के बाद मिलेगा। तहसील में कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसके जिम्मेदार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हम जिम्मेदार हैं, उसको सॉल्व हम ही करेंगे, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, जितना हो सके उससे ज़्यादा रहेगा, बस आप लोग हमारा सहयोग करिए, जो नियम है नियम के हिसाब से चलिए और बॉडी को जैसा है उसको उसकी गरिमा के हिसाब से आगे बढ़ने। श्रीमान जी थोड़ा दो शब्द अपना नाम है और पदनाम के साथ है। मेरा नाम हरविजय सिंह है जी, मैं नायब तहसीलदार बड़ोखर हूँ यहाँ खीरी सेक्टर का इंचार्ज जी जी, ये मेरे क्षेत्र में आता है इसलिए मैं आया हूँ। एसडीएम मैडम ने हमको अभी नामित करके भेजा कि आप हमारी तरफ से जाएं जी, और यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करिए। और इनके साथ मुख्यतः मेन मुद्दा ये है जी, ये जो है ये इस समय अब है नहीं है कोई बात नहीं जी जी, लेकिन इनकी ये गरिमा है जी, मृत्यु से पहले भी मृत्यु के बाद जी, उस गरिमा को इस जो पार्थिव शरीर है उस गरिमा को उसी तरह से जैसा नियम उस हिसाब से करके आगे बढ़ाएंगे और जहाँ भी हो सके जहाँ से भी मदद कर सकेंगे। इसमें कुछ इनके पिताजी कौन है बुलाइए, थोड़ा सामने बुलाइए उनको। सर उसके साथ क्या होगा, सर उसके साथ क्या होगा, और साथ क्या होगा, जेल जाएंगे या अगर वो तो नहीं लिख के देना उसका कुछ सबूत रहेगा जब अगर दे रहे हो लिख के वही तो जो है उसी से तो जेल जाएंगे ना। अगर वो फंसेंगे अगर उनका सबूत मिल जाएगा कि वही है दोषी वही है तो हम भी नहीं बचा पाएंगे, ये भी नहीं बचा पाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर दोषी नहीं है सबूत नहीं है तो हम भी कुछ अच्छा, नहीं कर सकेंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही तो होगा इसकी डेट, पोस्टमार्टम के बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद कहां लगी कैसे क्या हुआ चलो है ना है उसको सब करने दीजिए जो नियम है नियम के साथ। आइए इधर चलिए चलिए जाइए आप नेता से बात करें।